국가를 수호하기 위해 탄생한 최종의 특수부대 요다. इस टास्क फोर्स के पहले कमांडिंग ऑफिसर थे मेरे पिताजी। वाह, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है। 첫 사령관이자 주인공인 아룬의 아버지가 작전 도중 사망하고 아룬은 아버지의 뒤를 이어 요다에 들어갑니다. 나도 아미 약간 존게 군에 말아 스타트 걸고. 이 사람 포레스트 오피서 나무나 캐 비갈 레가. 사리 요다 포지션데. We're ready for the attack. 안들 가오 वाले पुलिस वाले. 두 बच्चे भी है. 민간인이 위험에 처하자 적진 한가운데로 돌진하는 아룬. 아룬의 활약으로 작전은 성공. 하지만 남편의 무모한 행동이 걱정스러운 아내 프리야. Hello, Mrs. Katyal. You're just impossible. अरे कहाँ जा रही हो? और अकेले लड़ने का इतना शौक है ना तो जाके अखाड़े में लड़ो. आज कितना रिस्क था पता है तुम्हें? लेकिन सबसे बड़ा रिस्क मैंने उस दिन लिया था जिस दिन मैंने मिसेस कटियाल को प्रपोज किया था. 자랑스러운 팀원들과 아름다운 아내가 있게 아룬은 어떤 것도 두렵지 않았습니다. 그러던 어느 날 테러 조직 라쉬카르가 비행기를 탈취하는 사건이 발생하는데 사레 윈도우 쉴드 반대. 수바시 wait for the order. 176 passengers, 12 crew members, but सबसे important, हमारे देश के सबसे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड. 운기 시큐리티 की रिस्पांसिबिलिटी योदा टास्क फोर्स के पास. 보안 요원으로 아룬이 비행기에 탑승하고 있었고. 나라 시그릿 마스카 다라디. 가라. 가자. 갓. 핵 과학자를 보호해야 하는 상황. 야서 니갈레가 박타게. सर, दिस इज प्रियमदा कटियाल. 아동가들 से ये हमारे बिहाफ पे बात करेंगे. इनकमिंग फ्रॉम द फ्लाइट. ये पेट्रोल टैंकर चल क्यों नहीं रहा? 50 लाख रुपए कैश और हमारे तीन आदमी. वरना उल्टी गिनती हम शुरू कर देंगे. नहीं, क्या कर रहा है? सर, उन्हें अब तक साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता है. हमें जल्द ही उन्हें फ्लाइट से निकालना होगा. मैं ये डिसीजन अकेला नहीं ले सकता. हमें प्लेन में किसी से बात करनी. देखो, ऐसे कुछ काम नहीं हो सकता है. चुपचाप पेट्रोल टैंकर भेजो. मेरी एक पैसेंजर से बात कराओ. 승객의 안전을 요구하며 아룬과 통화를 하게 된 프리야. 아룬? 벌써 피해다 뭘? Identity confirm sir. अरुण काटियाल योदा टास्क फोर्स. उसे कुछ भी करके हमें बताना होगा कि ऑर्डर्स का वेट करें. प्रियल, मेरे डैड भी ठीक है. आप प्लीज मेरी मां को खबर दे देना. जल्दी करिए प्लीज. कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए. It was an SOS message. कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए. 그런데 아룬 डैड 잘날이 과학자의 정체를 알게 되고. Fire! फायर लाओ, उसे कॉकपिट में लाओ. अलैकुम साहब सकराजी.범인들이 급유차를 요구하지만 급유차 안에는 다른 요다 대원들이 숨어 있는 상황. 수바시, stop, stop. 브라더님, 원함 두발을 구하리 말세가. 오케이, 오케이. 가로수 위에 비고. 아, 잠시 리고, please. सर, लगेज कंपार्टमेंट का डोर खुला है और लोग नीचे गिर रहे हैं. हमें अटैक करना होगा सर.
아룬의 구조 요청에도 사령부가 망설이자 과학자와 비행기 모두 잘날의 손에 넘어가게 됩니다. 결국 핵 과학자는 싸늘한 시신이 되어 돌아오고 여론이 거센 가운데 작전 실패의 책임을 요다가 뒤집어쓰게 되죠. Enough negotiations in charge, Katyal. वो ऑर्डर का इंतजार करेंगे. Am I right? जी सर, लेकिन सिचुएशन. Thank you. Sit down. तुम्हारी ड्यूटी ऑर्डर सुनने की है, हीरो बनने की नहीं. 진상 조사가 끝날 때까지 요다의 활동이 정지되고. तुम अच्छे से जानते हो कि एक योद्धा का काम नेगोशिएट करना नहीं है. तुम और तुम्हारे सिस्टम की लापरवाही की सजा योद्धा टास्क फोर्स को मिल रही है, मुझे मिल रही है. 아룬은 정부의 결정에 반발해 어떻게든 부대를 구하려 하지만 सरकार इन पे इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन सर फिर है ये लोग. मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले इस यूनिट को ही बंद कर देना चाहिए. 아룬의 바람과 달리 부대원들조차 하나 둘 떠나기 시작합니다. मैं मिनिस्ट्री का ऑफर एक्सेप्ट करके कल यहां से ट्रांसफर लेने जा रहा हूं. 정계 유력자들 역시 아룬에게 협조해 주지 않았고 तू भी मान जा. दे दे उनको अपॉलॉजी. खाने लड़ाई में सिर्फ अपने नहीं, तू अकेला पूरे सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकता. यू नो दैट. 설상가상 프리아는 아룬에게 이혼을 요구합니다. तुम अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से पर्सनल लाइफ खराब क्यों कर रहे हो? कुछ लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल में फर्क समझ नहीं आता. अरुण क्या कर रहा है यार, टॉक टू हर. पर योद्धा टास्क फोर्स बंद नहीं होनी चाहिए. (1년) 뒤 파키스탄과의 평화 협정식. 항공 보안 요원으로 출근한 아룬은 자신의 이름으로 된 탑승권을 발견하는데 Yes, Arun Katyal. Yes, he is here. Sir, boarding complete हो चुकी है सर. Please जल्दी करिए सर. Sir, please जल्दी करिए. 그렇게 예정에 없던 항공기에 투입된 아룬. 그런데 그때 비행기 납치 상황을 알리는 문자가 도착. Sir, please take your seat and strap your seatbelt. I'm the onboard air commander. 지시에 따라 승객들의 정보를 확인하는 아룬. Tanya Sharma, airline. 우스카 해 불러 그의 파스포트와 그의 드라이버 시트 체크. 스와 누군가 승객들을 인질로 삼아 범죄자들의 석방을 요구하는 상황. A ground security ko itino naam lijiye. Sir, it is an official hijack now. Aur kya details hai? Arun Katyal. 보안팀은 아룬을 범인으로 의심하고 있었는데. Antarrashtriya flights par jab armed officer tainat karna shuru hua, Arun ne uske liye apply kiya. Jis officer ne apni unit ko bachane ke liye itne mahino tak system ki maar sahi ho. Aisa kuch kyon karega? System ki maar bahut tez hoti hai Sharma ji. 그때 아룬 눈에 포착된 수상한 남자. 뭐래 소리야, 여기야? 아직까지 맞춰고 비 플레인 오나 내대. 어, hey, what do you think of yourself, huh? I'm not. 화장실을 수색하던 아룬은 뒤따라온 남자와 난타전을 벌이고. 남자를 깨우기 위해 의사를 부른 아룬. 하지만 남자는 발작을 일으키며 숨이 끊어집니다.
जिंदा था वो। फिर से चेक करो। कुछ ही देर में इसकी बॉडी स्मेल करने लगी। कार्गो सेक्शन? वहाँ पे टेम्परेचर गिरा के इसकी। तुम वही योद्धा हो ना जिसके खिलाफ 2001 में इंक्वायरी चली थी। टेम्परेचर कम करो। मंत्रालय से रिप्लाई आया है। भारत 175 ग्राउंड सिक्योरिटी। लिसन, वी हैव अ सिचुएशन। आई नो कि ये कोई मजाक नहीं, अरुण खान। खान, इन्हें जो तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? फ्लाइट पे हमारा एक और सिक्योरिटी ऑफिसर है, सीट नंबर 11F। मैंने सबकी डिटेल चेक करी है। आई हैव नो लीड्स, आई नीड योर हेल्प। 남자의 정체는 다름 아닌 항공 보안 요원. फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर अमनदीप सिंह मर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन मर चुके हैं? स्टॉप, नो। क्या कर रहे हो तुम वहां पर? क्या चल रहा है? आर यू मैड? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ट्रैप? सब बताता हूं। खान पर आई टू नो कि वो तीनों कौन है। अरुण, वो तीनों तुम्हारे दोस्त है। तीनों तुम्हारे यूनिट के ऑफिसर्स है जो पाकिस्तान की जेल में बंद है। क्यों करे तुम ये सब? अरुण을 납치범으로 만들기 위한 치밀하게 설계된 함정이었고. दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर एक लाश मिली है राकेश सिन्हा की। वैसे भी निगोशिएट करना तो कभी अरुण का स्टाइल था ही नहीं। सर, अरुण की ड्यूटी तो आज दिल्ली दुबई 275 पे थी। 설상가상 비행기는 파키스탄 영공에 진입하는데. अरुण हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। हेलो, अब ग्राउंड सिक्योरिटी से बात करने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ कांटेक्ट टूटा है या फिर जानबूझकर काटा गया? सर, वो लोग एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज AB175 रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। अमृतसर? आप लोग सब प्लीज इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट हो जाएं। प्लीज सर, मूव टू द इकोनॉमी क्लास। आई नीड यू। प्लीज सर, मूव टू द इकोनॉमी क्लास। नो सर, प्लीज कोऑपरेट, आगे बढ़िए। डोंट पैनिक, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। या승객들에게 제압당한 아론. Don't move. 내가 하이잭커 아니에요. You hijacked. Please don't panic, sir. Please. 같은 시각 비행기 납치 소식을 듣게 된 프리야. Can you know him? 나희 오늘 negotiate 거네 바로 메시. 파키스탄과 평화 협상 중인 지금 비행기 납치 소식이 퍼지면 양국 간의 관계가 틀어질 것이 뻔했고. So we have a situation. 우리 파키스탄이랑 서 तुरंत이 बात करनी होगी. 아직 그건 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तब तक हमें बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना होगा सर. 아직 साले गद्दार। ए सुनो, इसे कहीं और बांध। कैप्टन, आई टोल्ड यू कि हमें वापस जाना है। फ्लाइट को घुमा क्यों नहीं रहे? हमें कोई जवाब नहीं मिलता, हम मुड़ नहीं सकते। हाईजैक प्रोटोकॉल इज ऑन और इस फ्लड फाइट का इंचार्ज मैं हूं। अंजन द गॉड। 익명의 제보로 납치 소식이 언론에 퍼지게 됩니다. 이 किसी एक आदमी का काम नहीं है। What is this, Madam Secretary? सरसंगासंग 기내 시한폭탄 소리가 울리는데. 납치범의 정체는 다름 아닌 부기장. और तुम मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते यार? फिलहाल तो तुम ये सोचो कि तुम कौन हो, और जब तक तेरी सरकार कुछ पता नहीं लगाएगी बहुत देर हो चुकी होगी। क्या चाहते हो तुम लोग? पीस। वरना सारी गोलियां विंडोज पे खाली कर दूंगा। I'm sorry. और मैं नीचे एवियोनिक्स में जाके चेक करता हूं। यहां का प्रेशर चेक कर। ओके। मैग्नेट्स ने सारे सिस्टम जाम कर दिए। मैं मैन्युअली ऑटो पायलट को डिसएंगेज करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अरे, और हमारे ही जवान ने प्लेन हाईजैक कर लिया। ये कैसा शांति समझौता कर रहे हैं आप? हवा का दबाव कम हो रहा है ना? बैकअप प्लान। इस बार भी खुल गई। आवाज़।
चलो कोई ना, आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। देश हमेशा रहेगा। 격투 끝에 간신히 부기장을 잡아 나론. लेकिन फिर हम प्लेन को लैंड कैसे करेंगे? हम वही जाएंगे जहां ये फ्लाइट हमें ले जाएगी। तानिया, बी रेडी। जैसे ही मैं इस केबल को खींचता हूं, उस लीवर को नीचे करो। रेडी? हाजिमान। मैं कुछ मदद करूं योद्धा? सिंगमोन लाइला가 아룬을 공격합니다. सिलेंडर में सल्फर था, हाईली इनफ्लेमेबल। 그녀의 정체는 라쉬카르의 조직원. 보안 요원을 죽인 것도, 자석으로 시스템을 마비시킨 것도 모두 그녀의 소행. Madam, we have your officer from New Delhi. Ma'am, flight se koi contact nahi ho pa raha. Aur ye koi random terrorist group ka kaam nahi lag raha. Let's see this one. 라쉬카르의 계획대로 비행기는 평화 협정식이 열리는 회담장으로 향하고. Crash. Thanks for the honor, sir. Jab Kashmir azad hoga, to uska badla bhi pura ho jayega. You're doing Arun. Arun, the flight is. Hello, my little pilot. 7700 punch in karo, ATC se contact karo. This is AB175, can you hear us, ATC? Hindustani jahaz line par hai. Arun, can you hear me? Hello? Arun, kya kar rahe ho tum? Tumhe is hijack ko rukna hi hoga, Arun. Hame Islamabad tak ka rasta clear chahiye. Aur mere tino saathi ek chopper mein Islamabad airbase pe. Do it, Priya. Kahi waqt haath se nikalna chahiye. 아룬은 서둘러 프리아에게 상황을 알려주지만 पिछले हाईजैक में भी वो एक ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, एक मामूली हाईजैक नहीं है। शांति समझौते के अलावा आज और तो लगता है टारगेट हम हैं। 라쉬카르가 한 발 앞서 모든 준비를 끝내놓은 상황. पाकिस्तान एयर फोर्स इज रेडी। 유일한 방법은 비행기를 격추하는 것. हमें स्लाइड को मान देना। टेंशन मत लो योद्धा, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। सी यू ऑन द अदर साइड सून। अब बाहर देखिए जनाब, ये लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं जनाब। यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं हिंदुस्तानी डेलीगेशन को लेकर बंकर में जा रहा हूँ। आप जितने लोगों को निकाल सकते हैं आप निकालिए। उसके जगह फ्लाइट पे कोई और ही, मतलब हाईजैक जलाल की ऑर्गेनाइजेशन। टारगेट लॉक कर दिया है। से पहले ही हमें मार देंगे। तो अपनी डायरेक्शन बदल ली। 비행기는 돌연 국가 사원을 향해 기술을 돌리는데 वहाँ पहुँचने से पहले हम शायद ब्लास्ट हो जाएंगे और ब्लास्ट का असर मस्जिद तक जा सकता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर प्रसिद्ध कौमी मस्जिद सज्जा करने जाएंगे। 라쉬카르의 목표물이 바로 파키스탄 총리라는 것을 알게 된 아론. 하지만 공군에 의해 비행기가 격추되려는 상황. 그때 벙커에 숨어든 잘날이 인도 총리를 공격합니다. 라피, कितना समझा है? अगर दोनों मुल्कों के बीच शांति समझौता हो गया तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? उन्हें कुछ आ जाओ बादशाह। असली टारगेट जिनान नहीं, कौमी मस्जिद। आई कॉपी दैट योद्धा। टारगेट तुम्हारा लीडर नहीं, पाकिस्तानी पीएम। 승객들과 총리의 목숨을 두고 선택의 기로에 서게 된 아룬. Choice is yours. और बीवी को हम रख लेंगे। वो शायद आपको फंसा रहे हैं। हमें 200 लोगों को भी बचाना है और देश की इज्जत को भी। यहाँ नीचे कहीं वाटर टैंक्स हों, पानी से हम नीचे की आइडेंटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तुम फ्लाइट को कौमी मस्जिद की तरफ मोड़ो और नीचे जाना शुरू करो। चेक द प्रेशर और लैंडिंग गियर खोल दो। ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन ट्राई करो। जाम हो गया सर, नहीं चल रहा। Come on.
비행기는 아슬아슬하게 사원 앞에 착륙하지만 Evacuate! Evacuate! 라쉬카레의 조직원들이 사원을 점거한 상황. 아루는 경찰들과 함께 진입을 시도하고 पाकिस्तानी पीएम नहीं मरा तो क्या हुआ मरना तो वैसे भी किसी एक को था तेरा ही मार देते हैं स्टॉप नाइस टू सी यू योद्धा रिमेंबर मी पहले तेरे साइंटिस्ट को मारा था और ये जंग जारी रहेगी यही तो बिजनेस है हमारा तुमने डोसो पर साइन नहीं किया अभी तक मेरा जब मन करेगा मैं कर दूँ। कोई वक्त हाथ से निकलना चाहे। Oh, so sweet. 찰나의 빈틈을 노려 반격을 시도하는데. कश्मीर की ये जंग जारी रहेगी ये एक बिजनेस है योद्धा भुगतानरो चल्ला를 날려버린 아룬 मिशन अकम्प्लिश्ड मैडम ये मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ है सोल्जर बहुत खर्चा करती है आपकी टीम वेलकम बैक योदास 총리를 구한 공으로 아론이 요다로 복귀하며 영화는 끝이 납니다 비행기 납치극과 가상의 특수부대를 그린 영화 요다 2024년 아마존 프라임에 공개된 인도 영화입니다. 춤과 노래가 난무하는 발리우드 영화와 달리 전 세계 시청자들을 배려했는지 다소 정적인 모습을 보였죠. 총격전과 유수를 섞은 전투 장면만큼은 A급 액션 영화와 비교해도 손색이 없었는데요. CG를 사용한 티가 많이 나는 것이 아쉬웠지만 단순한 플롯으로 몰입감을 높인 것이 좋았습니다. 시원시원한 액션으로 킬링타임에 좋은 영화 요다 리뷰를 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다.